कर्नाटक का चिकमंगलूर में एक एडवोकेट के साथ पुलिस स्टेशन में मारपीट कर जुल्म किए जाने के बाद गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डीसी ऑफिस तक गुलबर्गा बार एसोसिएशन से तमाम एडवोकेट्स ने प्रोटेस्ट कर एक्शन लेने का मुतालिबा किया है। चिकमंगलूर में देर रात नाइट पेट्रोलिंग के समय पीएसआई महेश पुजारी और दीगर पांच पुलिस ऑफिसर्स ने प्रीतम नामी एक एडवोकेट को हेलमेट न पहनने पर गाड़ी रोककर चाबी निकाल ली थी। एडवोकेट प्रीतम ने चाबी निकालने पर जब पुलिस ऑफिसर से सवाल पूछा तो पुलिस ने इन्हें स्टेशन ले जाकर बुरी तरह मारपीट की, जिसकी वजह से एडवोकेट प्रीतम को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। एडवोकेट प्रीतम ने कहा यह हेलमेट ना पहनने पर फाइन भरने के लिए तैयार थे, पर पुलिस ऑफिसर गाड़ी की चाबी निकालकर बदतमीजी करने लगा। पुलिस के गलत बर्ताव पर प्रीतम ने सवाल पूछा तो इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर बुरी तरह से पिटाई की गई है। एक एडवोकेट के साथ इस तरह की गुंडागर्दी को देख पूरे कर्नाटक में एडवोकेट प्रोटेस्ट कर एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। चिकमंगलूर के एसपी ने इस मामले में कुल 6 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया है, पर एडवोकेट्स का कहना है सिर्फ सस्पेंड करने से मसला हल नहीं होगा, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट करना बेहद ज़रूरी है, जिससे आने वाले दिनों में कोई भी एडवोकेट्स को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। गुलबर्गा एडवोकेट्स ने इस मामले में मजीद क्या कहा जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open, contact for details. आज का जो स्ट्राइक किया जा रहा है गुलबर्गा बार एसोसिएशन एडवोकेट्स की जानिब से, चिकमंगलूर में पुलिस वालों ने एक वकील पर हमला किया है। आए दिन वकीलों पर इसी तरह हमले होते आ रहे हैं। हेलमेट को लेकर एक छोटा इशू था, उसको लेकर पुलिस वालों ने वर्दी का और अपने पावर का मिसयूज़ किया है, नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं उसकी सख्त अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ पहले, और वो जो भी पुलिस वाला है उसको जो है ना सर्विस से डिसमिस करना चाहिए। सस्पेंस करने से कुछ, सस्पेंशन से कुछ होने वाला नहीं है, फिर थोड़े दिन के बाद उन्हें बहाल होते हैं। लिहाजा मैं इस चैनल के जरिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से डिमांड करता हूं स्ट्रांग के जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं, जैसा कि हमारे बसों कल्याण में एक वाकया हुआ, भालकी में दो इंसिडेंट हुए 2 महीने पहले, वहां पर भी इस तरीके से पुलिसों की जुल्म बर्बरियत वकीलों के ऊपर हो गई, जबकि वकील जो है ना मुहाफिज होता है माशरे का, प्रोटेक्टर होता है जनरल पब्लिक का, वैसे लोगों पर अत्याचार हो रहा है तो कॉमन पब्लिक के ऊपर क्या नहीं कर सकती पुलिस। लिहाजा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके दायरे में रहकर पुलिस को जो राइट दिए गए हैं उसके ऊपर काम किया जाए। जो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे पास जो पास हुआ है असेंबली में, मैं ये चाहता हूँ कि जो ऑनगोइंग सेशन चल रहा है बेलगाम में उसको पास होना चाहिए बिल, इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन होना और इम्प्लीमेंटेशन होना बिल का, और जो ऑफिसर भी इन्वॉल्व हैं पुलिस वाले, चाहे कॉन्स्टेबल हो, आईपीएस ऑफिसर हो, बड़ा ऑफिसर हो, छोटा ऑफिसर हो, तमाम के तमाम उन्हें एक्शन लेने से पहले, एडवोकेट के ऊपर हल्ला बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए 10 बार के दे आर दी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, दे आर दी प्रोटेक्टर ऑफ दी सोसाइटी, दे आर दी प्रोटेक्टर ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सोच समझ कर उनको एक्शन लेना चाहिए। कामन अगर एडवोकेट्स को अगर इस तरीके से जुल्म ज्यादती की बर्बरियत से मारेंगे तो कॉमन पीपल का क्या वेट रहेगा माशरे में। मैं प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है, जो चिकमंगलूर में एक लॉयर के साथ जो इंसिडेंट हुआ है, जो पुलिसों ने बेरहमी के साथ मारा है, वो पुलिस वाले को कहता रहा मैं लॉयर हूँ, उसके बावजूद भी वो जासूस, वो रौड़ी वाले पुलिस उनका फोन छीन कर उनको मारते गए। जब भी अगर कोई हेलमेट नहीं पहनता है, अगर कॉमन इंसान भी, तो एक एक उसका सिस्टम है, एक प्रोसीजर बनाया गया है। क्या सिस्टम है? उसको फाइन डालो, पेनल्टी डालो, या नहीं तो उसके गाड़ी का नंबर प्लेट का नंबर लिख कर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए था। वो पुलिस वाला जाहिल, शायद वो पढ़ा लिखा पुलिस वाला नहीं होगा, लॉयर रहने के बावजूद भी उसका फोन छीन कर उसको 2 घंटे पिटाई की है। अगर लॉयर के ऊपर इस तरह की अत्याचार होती है तो कॉमन लोगों के ऊपर क्या होती है? जो कॉमन इंसान है उनका क्या होगा ये देश में? और लास्ट टाइम बीदर जिले में भी एक लेडी एडवोकेट को 6 बजने के बाद, जो सूरज ढलने के बाद अगर एक औरत को गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करना नहीं है कानून में, उसके बावजूद भी रात के 2 बजे उठाकर लेडी एडवोकेट को गिरफ्तार करके उसको पुलिस स्टेशन लेकर गया। इस तरह से हमारे देश में इस तरह से एडवोकेट्स के ऊपर अत्याचार हो रहा है।
अगर इस तरह का अत्याचार नहीं रुका तो हम लोग भी, तुम लोग अगर खाकी वर्दी पहनकर इतना कहते हैं तो हम भी ब्लैक कोट पहने हुए हैं तो हमारे पास कितना गुरूर नहीं होगा, हम भी देखेंगे। हमारे बीच में ऐसा दंगा मचल अगर पुलिस वाले ये वर्तन कर रहे, हम भी किसी से कम नहीं। जो पुलिस का मैं वीडियो देखा हूँ वो बोल रहे है आ तू अकेला है, बोल रहे तेरे अकेले के पास ही शक्ति दिया क्या भगवान, तुम 10 लगाओ मैं अकेला, तो किधर बोलते जगह फिक्स करो, ऐसा बात नहीं चलता है। समझ के बात करने का सोचो, हम सब लोग अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के आईडी में हम काम करना पड़ता है। वी आर डिस्चार्जिंग अवर ड्यूटीज, यू टू डिस्चार्ज योर ड्यूटीज। उसको छोड़ के बाहर के इसमें आए तो तुम दिख भी नहीं सकते, वैसा गायब कर सकते वकील, तुम ये समझ के रहो। हाँ, हम पुलिस को हम क्या आदर सम्मान से चाहते हैं, उनका कैसा देखते हैं, वो प्रेम और प्रेम भाव बहुत है हमारे को। बहुत सारे बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बोले सर वो एक दो ऐसे थे, 6 लोगों को हमने सस्पेंड किया है, वैसे लोगों को हम एंटरटेन नहीं करते बोला है, वो अच्छा है। अगर वैसा ही रहा तो वैसे लोगों को उधर से निकाल दो, उनको उधर नहीं है, जेल में है उनका काम, उनका पुलिस स्टेशन में पुलिस बन के नहीं, उनका जेल में क्या बोले तो सजा काटने का काम है, उनको वो काम को भेजो। हाँ, पुलिस को तुम 6 लोग मिलके मारे, मैं बोलता हूँ एक प्रभास का एक तेलुगु में डायलॉग है, ఎలా రౌండప్ చేసి కన్ఫ్యూజ్ చేయొద్దో, కన్ఫ్యూజన్లో ఎక్కువ కొట్టేస్తాను బోల్తే దేకో హమారా పీచే ఏక్ వకీల్ కా పవర్ తుమ్ క్యా జాంతే ఉస్కా హమ్ దికాతే ఆప్కో ఏ బాత్ బోల్తే హువే ఏ బార్ మేం సమ్జోతీ సే ఆప్కో బతా రే ఆగే కే దిన్ మే అగర్ యే ఫిర్ రిపీట్ హువా తో హమ్ హమారా తాకత్ జరూర్ దికాయేంగే వైసే పోలీస్ లోగోం కో బోల్తే। This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Mijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open, contact for details.